सब मिलकर एक संग जुट जाए हम पोलियो बीमारी को इस जग से मिटा। पोलियो के चिन्ह मिस्र सभ्यता के समय से देखे जा रहे हैं। साल 1916 में जब न्यूयॉर्क ने पोलियो से हुई महामारी का सामना किया, तब पहली बार पोलियो की तरफ दुनिया का ध्यान गया। साल 1952 में डॉक्टर जोनास सॉक ने पहला पोलियो इंजेक्शन वैक्सीनेशन विकसित किया, और इसके बाद 1961 में डॉक्टर एल्बर्ट सेबिन ने पहली ओरल वैक्सीन ईजाद की, जो पोलियो के खिलाफ जंग में सभी की पहली पसंद बन गई। जब 1977 में स्मॉल पॉक्स का अंतिम मामला सामने आया, तभी से रोटरी ने पोलियो को जड़ से मिटाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इस बीच साल 1979 में रोटरी ने फिलीपींस में 6 मिलियन बच्चों को पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिलाया, जो कि रोटरी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। विकासशील देशों ने इसे 5 वर्ष की अवधि के लिए लेने की गुजारिश की थी, और रोटरी ने ये लक्ष्य हासिल भी कर लिया था। इस तरह रोटेरियंस ने करीब 240 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि जमा कर ली थी, जो कि रोटरी के इतिहास में अब तक की सबसे प्रभावशाली राशि थी। साथ ही अमेरिकी डॉलर में बिलियन का 2/3 इजाफा होने की भी संभावना थी। उसी दौरान आरआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और रोटरी फाउंडेशन के ट्रस्टीज की एक बैठक हुई, जिसमें इंटरनेशनल पोलियो प्लस कमेटी की स्थापना की गई। IPPC में सदस्यों की नियुक्ति ट्रस्टीज के चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक सदस्य और रोटरी पोलियो इरेडिकेशन पार्टनर्स की तरफ से उपस्थित सलाहकारों द्वारा की गई। वहीं कराकस वेनेजुएला में एक अतिरिक्त समिति 1995 में रोटरी विधेयक परिषद द्वारा गठित की गई। ये तय कर लिया गया कि पोलियो जैसी घातक बीमारी को साल 2000 तक जड़ से मिटा दिया जाएगा, और इसकी पुष्टि कर साल 2005 तक इसका प्रमाण पत्र ले लिया जाएगा। रोटरी इंटरनेशनल को अब ये मुश्किल मुकाम हासिल करके दिखाना था। साल 1985 में भारत में पहली बार यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे देश भर में ओरल पोलियो वैक्सीन लागू की गई। रोटरी ने भारत में पोलियो प्रोग्राम के लिए पहल की, और साल 1994 में दिल्ली में एक पोलियो इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी का संचालन किया। उसके बाद सरकार ने रोटरी इंटरनेशनल के साथ मिलकर देश भर में करीब 1.4 मिलियन बच्चों को, जिनकी आयु 3 वर्ष से कम थी, उन्हें पोलियो की खुराक दी। ये सही मायने में अब तक की सबसे बड़ी सफलता थी, जिसमें इतने विशाल स्तर पर लोगों ने भाग लिया था। रोटरी की इस नेशनल इम्यूनाइजेशन की योजना के ऊपर विस्तार से विचार विमर्श करने के लिए वर्ष 1995 में एक मीटिंग बुलाई गई। All the eyes world over are focused on this meeting today, because what you do today, what you decide today, what the action plan you adopt today will not only have a serious impact on the country, but indeed दिल्ली में पल्स पोलियो अभियान की उल्लेखनीय सफलता ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार में जोश भर दिया, और इसी के साथ 9 दिसंबर 1995 और 20 जनवरी 1996 राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाए गए, और ये रोटेरियंस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। रोटरी इंटरनेशनल ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के लिए 5 मिलियन डॉलर में करीब 50 मिलियन ओपीवी देने की पेशकश की। राष्ट्र को संबोधित करते समय प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपने संदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया कि पोलियो रणनीति के कार्यान्वयन में रोटरी इंटरनेशनल सरकार का सहयोगी है। We cannot ask a question, are we going to do it? We've got to do it.
After having invested our time, money, efforts, everything, we cannot afford to fail. पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए रोटरी ने जो कमिटमेंट किया था उसकी शुरुआत 1987 में हुई, जब उसने ओरल पोलियो वैक्सीन की खरीद और सामाजिक एकजुटता के लिए भारतीय सरकार को $20 मिलियन का योगदान दिया। वर्ष 1990 में बच्चों के संरक्षण के लिए संस्था की शुरुआत हुई। वर्ष 1993 में रोटरी ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के लिए अपना समर्थन दिया, जो पहली बार वर्ष 1995 में आयोजित किया गया था और इसमें बच्चों की संख्या तकरीबन 93 मिलियन तक पहुंच गई थी। वर्ष 1996-97 में एक ही दिन में रिकॉर्ड करीब 125 मिलियन बच्चों को ओपीवी दिया गया। भारत में अगर पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम सफल होगा तो विश्व में इसके सफल होने की संभावना है। इससे जुड़ी तैयारी शुरू कर दी गई। राष्ट्रीय पोलियो प्लस प्रतिरक्षण समिति ने अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए कि क्लब स्तर पर रोटेरियन टीम से कोऑर्डिनेट करना है। इस राष्ट्रीय आंदोलन में देश के विभिन्न हिस्सों तक वैक्सीन को पहुंचाना और सामाजिक एकजुटता के लिए रोटरी का सहयोग साफ दिखाई दे रहा था। The biggest role which was played by the non-governmental organizations was the tremendous support which the Rotary International gave to us from the beginning. And I would say that it has been a very, very inspiring example for most of us in government. Polio is primarily an urban disease. We know that the last pockets of polio are going to be in urban slum areas. There are some pockets in the city where 40-50% of the children only have been covered with polio vaccine. पल्स पोलियो प्रतिरक्षण में रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हर्बर्ट ब्राउन ने भारत का दौरा किया और रोटरी की भागीदारी की जमकर प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को रोटरी अवार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया। वर्ष 1997 को विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार ने मिलकर राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना की स्थापना की। In reference to polio eradication at the global level, India has a very important position, and the reason is because India has such a large number of children. अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने भारत दौरे पर हैदराबाद में इस अभियान में अपनी भागीदारी की और पोलियो की दवा पिलाई। India has collaborated in this effort with Rotary International, with the Gates Foundation, with UNICEF, the World Health Organization, and with the US Agency for International Development, or AID. हमारे मुल्क और खास तौर पर हमारी कौम में पोलियो के केस ज्यादा मिल रहे हैं। 10 दिसंबर 2000 और 21 जनवरी 2001 के दिन पल्स पोलियो मराकज पर सरकार ने मुख्तलिफ रजाकाराना तंजीमों जैसे रोटरी इंटरनेशनल की मदद से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दवा के खतरे पिलवाने का इंतजाम किया है। रोटरी स्वयं सेवकों ने घर घर जाकर ये सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा इस खुराक से वंचित न रहे, यहाँ तक कि उन्होंने रेड लाइट एरियाज का भी दौरा किया। पोलियो उन्मूलन योजना को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2002 में रोटरी इंटरनेशनल ने भारत में पोलियो समिट आयोजित किया। Afghanistan are some examples of places. There are not many more besides those, but those are the ones that have been very tough. The promise of a polio-free world, the promise that we've made, that Rotary's made to the world's children, is going to depend so much on our work here. इसके साथ ही वर्ष 2004 में Rotary International ने एक बार फिर से सफल पोलियो सम्मेलन की मेजबानी की। May I request our ambassador of polio eradication. Honorable dignitaries, respected Rotarians, members of the press, thank you very, very much for having invited me today.
रोटरी ने अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने की निरंतर कोशिश की और आखिरकार वर्ष 2007 में ये कोशिश रंग लाई और पोलियो उन्मूलन की दिशा में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज का समर्थन और नेतृत्व पाने के लिए मुस्लिम उलेमा कमेटी का गठन हुआ। धार्मिक नेताओं ने भी इंसानियत की इस आवाज को सुना और इस पहल को अपने समुदायों में स्थापित कर दूसरों के सामने उदाहरण पेश किया। व्यापार जगत ने भी इस पहल में अपनी खासी दिलचस्पी दिखाई। On behalf of the Aditya Birla family and Rotary International, I very fondly welcome Mr. Vinkesh Senior, Mr. Vinkesh and Mrs. Blake. And this year alone, we in the Aditya Birla group have immunized over 5 million children. That's because that amazing progress has been made on, but what we found is that it's a little more challenging than we expected. And this extra last measure of dedication is going to require some innovation. It's going to require overcoming that fatigue and really pushing forward. इससे लोगों को नई प्रेरणा मिली और मिशन को नई जान भी। मिशन की कामयाबी के लिए लोगों ने खुले दिल से दान दिया। मेरा सौभाग्य है कि मैं रोटेरियंस के बीच उपस्थित हूँ और स्वास्थ्य विकास में भाग ले रही हूँ। रोटरी ने अपने सर्वोच्च पोलियो उन्मूलन से जुड़े सम्मान द पोलियो चैंपियन अवार्ड के साथ लीडर्स के सहयोग को पुरस्कृत किया। मैं रोटरी इंटरनेशनल को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कैंपेन में पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन में पल्स पोलियो कैंपेन में बहुत ही इफेक्टिव प्रभावकारी भूमिका निभाई है। ये रोटरी इंटरनेशनल और उसके पार्टनर्स की अटूट साहस और कड़ी मेहनत का ही नतीजा है जो आज ये सपना पूरा हो पाया है। इसके साथ ही इसमें बड़ा योगदान वॉलंटियर्स का है जिनके अथक प्रयासों से ये योजना इतनी आगे बढ़ पाई। हमारे इस विशाल देश में भौगोलिक स्थितियां भी अलग अलग तरह की हैं, इसलिए पोलियो टीकाकरण केंद्रों तक मौखिक पोलियो टीके के बॉक्स पहुंचाने के लिए ऊंटों से लेकर हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया गया। बड़े स्तर पर मीडिया कैंपेन की सहायता से देश के हर कोने तक इस योजना को पहुंचाने की कोशिश की गई ताकि इस योजना का प्रभाव जितना ज्यादा होगा उसको लोगों को उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र से जुड़े जाने पहचाने लोगों ने इस जंग में बहुत जोर शोर से हिस्सा लिया और देशवासियों में इसके प्रति जागरूकता फैलाई। शाहरुख खान के पास डेट्स ही डेट्स हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे के लिए। हम पल्स पोलियो के लिए गए थे, हाँ 10-15 मिनट का काम और उसके बाद फिर आराम ही आराम, एक पूरा दिन अपने बच्चे के साथ छुट्टी। लेकिन इस खिलवाड़ और छुट्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात और वो ये है कि पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी की छुट्टी करनी है हमेशा के लिए। तो याद रखिए, राष्ट्रीय पोलियो रक्षा अभियान की अगली तारीख 21 नवंबर 1999। हम भारतवासी किसी से हार नहीं मानते, हर दुश्मन को खदेड़ के रख देना हमें अच्छी तरह आता है। ये पोलियो जो है ये भी हमारा दुश्मन है, जिसकी ये मजाल कि वो हम पर नहीं हमारे बच्चों पर वार करता है। वो हमारे बच्चों पर वार करे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएं कि आओ भैया हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करो और चले जाओ, हम हाथ छोड़िए। वर्ष 2012 में रोटरी इंटरनेशनल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर एक सफल समिट का आयोजन किया। इस योजना को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर प्रयास किया। 25 फरवरी 2012 के समिट के दौरान भारत को WHO की पोलियो एंडेमिक कंट्री की सूची से हटा दिया गया। इट्स मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन
that we have completed 1 year without any single new case of polio being reported from anywhere in the country. This gives us hope that we can finally eradicate polio not only from India, but from the face of the entire Mother Earth. It's an honor for me to be here this morning as President of Rotary International at this polio summit to celebrate a year in India without a single case of polio. It is my privilege to break to you an extremely happy and exciting news. The letter which I have just now received from Margaret Chan, that World Health Organization has taken India's name off the list of polio endemic countries. Today we got this wonderful news from WHO that India is finally off the list of endemic countries, something that never made us very proud of ourselves, but today we can hold our head high and be extremely proud. I must take this opportunity to compliment Rotary International, which played a key role in launching of the Global Polio Eradication Initiative and galvanizing massive private support for public health initiative. I can tell you that this summit would not have been possible had it not been for the not only the paper mention of the organization being held jointly with the government of India. It is a matter of pride for us when we see Rotary emblem together with Ashoka's thumb. Rotarian Deepak Kapoor, who has been chairman India National Polio Plus Committee of Rotary International since 2001. In 1979, Rotary undertook the immunization. Rukhsar Khatun, jo ki 13 January 2011 ki report ke anusar polio ka aakhri case tha, us din se Bharat ne January 2014 tak polio rahit 3 varsh pure kar liye. इस खास दिन कई ऐतिहासिक इमारतों को रोशनी से जगमग किया गया और इसे बेहद प्रसन्नता पूर्वक मनाया गया। ग्यारह फरवरी 2014 को भारत ने माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य महत्वपूर्ण लोगों की मौजूदगी में पोलियो रहित भारत की उपलब्धि को उत्सव की तरह मनाया। सत्ताईस मार्च 2014 को भारत समेत समस्त साउथ ईस्ट एशिया को WHO द्वारा पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया। पोलियो के बाद स्मॉल पॉक्स ऐसी दूसरी बीमारी है जिसका भारत से उन्मूलन हो चुका है, अब दुनिया की बारी है। रोटरी इंटरनेशनल ने पोलियो फ्री कॉन्क्लेव 2014 के रूप में भारत के पोलियो मुक्त होने की खुशी मनाई। हम शुक्रगुजार हैं INPPC के चेयरमैन के, जिन्होंने कई वर्षों से भारत को एक पोलियो रहित देश बनाने में हमारी सहायता की है, और साथ ही वो सब भारतवासी जिन्होंने इस योजना पर भरोसा किया, वो माता पिता जो अपने बच्चों को पोलियो बूथ साथ लेकर गए, जिन्होंने वॉलंटियर्स के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, इन सबका पोलियो मुक्त भारत बनाने में सहयोग है। हर भारतीय नागरिक का इस योजना को सफल बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन
लेकिन जब तक दुनिया में कहीं भी ये वायरस मौजूद है तब तक भारत पूरी तरह सुरक्षित नहीं कहलाया जा सकता। भारत सरकार देश के बच्चों को इस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज आयोजित करती है। रोटरी भी इसी तरह तन मन धन के साथ सामाजिक प्रचार से सहायता करने में जुटी है। तो आइए प्रण लेते हैं कि भारत को रखेंगे पोलियो मुक्त।